दोस्तों एक बार फिर से हाजिर हैं एक नई रेसिपी के साथ। तो आज हम आपको लेकर आए हैं ढोकला रेसिपी। बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी ढोकला बनाने के लिए हमने यहाँ पर ले लिया है एक कटोरी बेसन, एक कटोरी दही जिसको हमने मत के लिया है। सबसे पहले हमें करना क्या है कि हम बेसन को छान लेंगे जिससे एक फ्लफी और अच्छा सा बैटर बने और उसमें कोई लम्स ना रहे। तो एक स्पैचुला की सहायता से हम इसको पूरा सा छान लेंगे अच्छे से। देखिए हमने ये इसको छान लिया है। अब हमें अच्छा सा एक बेसन मिल गया है। अब हम इसमें डाल देंगे हाफ टी स्पून हल्दी, हाफ टी स्पून नमक, नमक अपने स्वाद के अनुसार डालिए। और अब हम डाल देंगे इसमें चीनी, एक टेबल स्पून चीनी का हमने इसमें डाल दिया है। चीनी को आप थोड़ा और ज़्यादा भी कर सकते हैं क्योंकि खट्टा मीठा ढोकला किसे नहीं पसंद होता है। चलिए हम बनाते हैं इसका एक बैटर, और इसका बैटर हम बनाएंगे दही में क्योंकि हमें कुछ खट्टा यहाँ पर इस्तेमाल करना है। इसलिए इसमें आप इसकी जगह दही की जगह साइट्रिक एसिड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ घर की बनी चीज़ों से ही पूरा बैटर बना के दिखाऊंगी और मैं बाहर का किसी भी चीज़ का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं कर रही हूँ। जो चीज़ घर में अवेलेबल है मैं उसी से ये ढोकला रेसिपी बना रही हूँ। यहाँ पर हमने कोई सूजी वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया है, हम सिर्फ बेसन से स्पंजी और सॉफ्ट ढोकला बनाने के तैयार करेंगे। बैटर को कर लिया है हमने अच्छे से मिक्स। तो हमें ये कंसिस्टेंसी चाहिए, देखिए इस तरह से कि हमें रनिंग डो तो हो लेकिन बहुत ज़्यादा पतला ना हो, इस तरह से ऐसी कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। और एक बार और हम इसको मैश कर लेंगे और अब हम इसको ढक कर लगभग 15 से 20 मिनट तक रख देंगे। इस तरह का हम एक बर्तन ले लेंगे जो नीचे से फ्लैट हो। आप चाहें तो इसकी जगह जो मोल्ड आते हैं यानी केक मोल्ड, उसमें भी आप इसको बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये चौड़ा सा टिफ़िन है, इसकी जगह छोटी थाली का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब मैं लास्ट में डालती हूँ इसमें एक चम्मच इनो पाउडर। ये हम बाद में ही डालेंगे, ये हमें बाद में ही डालना चाहिए क्योंकि इसके डालते ही बैटर बहुत ही फ्लफ़ी हो जाता है। और देखिए कैसा फ्लफ़ी सा ऊपर उठ के आ रहा है। तो अब हमें देर नहीं करनी है, इसको हमें अच्छे से कर लेना है मैश। और मैश करने के बाद हमने जो अभी ग्रीसिंग करी थी बर्तन में उसमें इसको पलट देना है। सारा बैटर हमें अच्छे से इसमें निकाल लेना है। और ये हो गया तैयार। और इधर हमने कढ़ाई को रख लिया है, गैस को ऑन करके कढ़ाई रख ली है। और इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा पानी, लगभग 1.5 गिलास के आसपास पानी हम इसमें डालेंगे। मैंने अंदाजे से डाल लिया है, आप चाहे तो बिना अंदाजे के नाप के डाल सकते हैं। और इसमें हम एक ये जाल रख लेंगे, जो भी स्टैंड हो वगैरह आपके पास आप उसको रख सकते हैं। और इसको गर्म होने देंगे, देखिए पानी बॉयल हो जाएगा तब हम ये बर्तन इसमें रख देंगे जिसमें हमने ढोकले का बैटर डाला है। और इसको 15 से 20 मिनट तक उबालेंगे यानी स्टीम देंगे। स्टीम देने के बाद 15-20 मिनट बाद एक बार हम चेक कर लेते हैं, देखते हैं कि देखिए नहीं चिपका, इसका मतलब ये बैटर तैयार हो गया है। और अब हम इसको ढक के ठंडा होने देते हैं। तब तक हम यहाँ पर एक टेबलस्पून ऑयल डालकर बना लेते हैं तड़का। तड़का आप किसी तड़का पैन में ना बना के आप थोड़े बड़े से कढ़ाई या फ्राई पैन में बनाएं क्योंकि इसमें हमें पानी भी ऐड करना है। तो सबसे पहले हमने राई दाना डाल दिया, थोड़ा सा हींग डाल दें और डाल देंगे करी पत्ता, बहुत सारा करी पत्ता डाल दीजिए, 15 से 20 पत्ते डाल दिए हैं मैंने। और इसको चलाते हुए अच्छे से तड़का लें। अब हम इसमें डाल दे रहे हैं 5 से 6 कटी हुई हरी मिर्चें जिसको हमने 20 से काट के आधा कर लिया है, और इनको तड़कने दें। और अब हम इसमें 1 कप पानी डाल देते हैं। पानी डालने से ये अच्छा बैटर तैयार हो गया। 1 चम्मच चीनी डाल दें, नमक स्वाद अनुसार डाल दें, और डाल देते हैं हम आधा नींबू का रस जिससे ये हमारा तड़के वाला खट्टा मीठा पानी बनकर तैयार हो गया। अब हम गैस को बंद कर देंगे। अब ये देखिए ढोकला ठंडा हो गया है। तो हम इसको पलट लेंगे एक बाउल प्लेट में, बाउल से प्लेट में पलट लेंगे और हम इस तरह से दूसरी प्लेट रख के इसको सीधा कर लेंगे। और अब हम इसके टुकड़े
कर लेंगे, यानी अपने हिसाब से ढोकले के छोटे या बड़े टुकड़े कर सकते हैं। मैं यहाँ पर थोड़े मीडियम से टुकड़े कर रही हूँ, ना बहुत बड़े और ना बहुत छोटे। तो मैंने इस तरह के टुकड़े बना लिए हैं। और देखिए, एक मैं आपको दबा के दिखाती हूँ फ्रेंड, ये इतना सॉफ्ट और स्पंजी है कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप इमेजिन करिए कि ये बहुत ही सॉफ्ट बना है। और अब हम इसके ऊपर डाल लेते हैं तड़का जो हमने अभी तैयार किया था, वो तड़का हम इस पे डाल लेंगे। और ये बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। इसको आप सुबह के नाश्ते में चाय के साथ भी खा सकते हैं, या फिर चटनी वगैरह बना लें, हरी चटनी या लाल चटनी के साथ भी इसको खा सकते हैं। और भाई, हमारे यहाँ तो ये दही से खाया जाता है, तो हमने बना रखी है लस्सी, और लस्सी के साथ हम ढोकले का आनंद लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप भी इस तरह से ढोकला बनाइए और उसका आनंद लीजिए। मेरी वीडियो अगर पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे जो भी नई वीडियो की अपडेट आए वो सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।